रेट हमने जो रखे हैं वो 65,000 रखे हैं, जिसमें 16 GB रैम और 256 इसमें एसएसडी है। प्राइस थोड़ी सी निगोशिएबल है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है हमारी अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं, और अगर कैश ऑन डिलीवरी का हो मामला तो 5,000 हम लोग जो है ना वो एडवांस मंगवाते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, और 1,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं क्योंकि टैरिफ बढ़ जाता है कोरियर का। और तकरीबन एक हफ़्ते का हम आपको रिफ़ंड देते हैं, एक हफ़्ते में अगर आपको चीज़ पसंद आए समझ में आए तो आपको आपकी रकम रिफ़ंड मिल जाएगी 100%। और 1 मंथ का जो ना हम आपको टाइम देते हैं चेकिंग वारंटी का, चार्जर इसमें आपको ओरिजिनल मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हुनीज़ा कंप्यूटर्स। आज जो जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है एच पी का प्रो बुक 640G4 i5 8th generation है। ये देखें इसका लोगो i5 8th generation। सबसे पहले जो है इसकी हम पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो है इसका ये लॉक के लिए है, वायर लॉक इसमें लगता है। और ये देखिए इसमें ऑक्स आउट है, यूएसबी पोर्ट है, कार्ड रीडर है। और इसके अलावा राइट साइड पे जो है इसके हम देखते हैं वीजी आउटपुट है, सिम कार्ड रीडर है, और इसके अलावा पावर जैक और HDMI पोर्ट, यूएसबी पोर्ट्स, और इसके अलावा टाइप सी पोर्ट और लैन कार्ड। उसके साथ साथ जो है ना ये इसका फिंगरप्रिंट, 14 डिस्प्ले फुल HD के साथ मशीन को ऑन करते हैं। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा स्किप किया, मशीन विंडोज़ तक आ चुकी है। इस वक्त हम सबसे पहले जो है ना इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। विंडोज़ XT मैंने प्रेस किया, शॉर्टकट है इसका टास्क मैनेजर पर जाने के लिए। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस में जाके CPU जो है इसमें i5 8th generation है, ठीक है ना, 4 core 8 CPUs है और 1 MB L2 कैश है, L1 कैश है 256 KB और 6 MB कैश है, ठीक है जी। इसकी जो बूस्टअप स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट जो है वो 4 GB तक होती है, और इसमें हमने 16 GB रैम इस वक्त दे रहे हैं, और SSD जो है वो इसमें M2 की जो है 256 GB इसमें दे रहे हैं। हम ये देखें 256 लिखा हुआ है क्योंकि अवेलेबल स्पेस जो है वो 239 GB शो होता है, उसकी वजह होती है कि 6.5 GB जो है वो कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो है ना अपना सॉफ्टवेयर रन करने के लिए कंज्यूम करती है। अच्छा, इसके बाद हम इसके ग्राफिक के बारे में जाएंगे तो ये 620 अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि 7.9 GB 16 GB रैम होने की वजह से हमें दे रही है। इसका एक और तरीका और भी होता है, हम रन पे जाके DXD IAG लिखते हैं तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो खुल जाती है। ये देखिएगा इसमें इसका मॉडल लिखा हुआ है HP ProBook 640G4 i5 8th generation 8 CPUs और ये 16 GB रैम। ग्राफिक पे जाते हैं तो 620 UHD जो कि आपको रैम शेयर करने के बाद 8 GB ग्राफिक कार्ड आपको दे रही है ये। और इसके बाद हम इसकी जो है रेजोल्यूशन पे जाएंगे स्क्रीन की, तो स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080 जो कि 2K कहलाती है। और अगर हम इसके रिफ्रेश रेट पे बात करें तो इसका 60 Hz पे इसका रिफ्रेश रेट है। और इसके बाद जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हैं उनमें मैं आपको चेक करा देता हूँ। इलस्ट्रेटर ये 2023 इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है ना, ये देखें स्मूथली खुल रहा है। ये अपनी प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद जो ना मैं नेक्स्ट उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो फोटोशॉप 2023, ये भी रन करके दिखाता हूँ इसी में। ये देखिए न्यू फाइल ओपन होगी। अच्छा, इसके बाद जो है प्रीमियर प्रो 2022, ये देखिए इसमें न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ये देखें इस तरीके से आपको ये
प्रीमियर प्रो वगैरह भी जो है इंशाल्लाह अच्छे तरीके से रन होगा इसमें। अच्छा इसके बाद जो है इसकी मैं आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ। والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم। अच्छा इसके बाद मैं इसके कलर्स स्क्रीन पे ये देखिए बहुत बेहतरीन कलर्स इसमें आते हैं क्योंकि FHD स्क्रीन है ये। और इसमें हमने MS ऑफिस एक्सेल और ये इसमें जो टच पैड है इसमें स्पेशल फीचर होता है जूम इन जूम आउट का। ये देखें मेरा हाथ और स्क्रीन दोनों साथ आ रही हो तो ये देखें जूम इन और जूम आउट इसके अंदर हो रहा है। और इस टच पैड के जो मज़ीद फीचर्स हैं थ्री फिंगर्स के साथ आप स्विप डाउन करेंगे तो आपका जो भी कंटेंट होगा वो हाइड हो जाएगा। ये देखें आप करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। अगर आपने मल्टी विंडोज़ खोली हुई हैं तो आपने तीन फिंगर्स जो है ना आपने टैप करनी है एक साथ और उसके बाद लेफ्ट राइट आप मूव करेंगे तो आप मुख्तलिफ जो है विंडोज़ है जो भी आपकी खुली हुई है उस पर आप स्विच कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा जो है आप इसमें डबल टैप करते हैं तो राइट क्लिक आपका जो ना वो होता है। और इसके अलावा जो ना आप जो तीन फिंगर एक साथ टैप करते हैं तो ऐप मेन्यू खुल जाता है। ये देखें ऐप मेन्यू खुल गया आपका। ठीक है ये इसके एडिशनल फीचर्स हैं। फ्लिप दिया हुआ है कैमरे के लिए क्योंकि प्राइवेसी के लिए जो है लोग यहाँ पे अगर फ्लिप ना हो तो लोग अक्सर जो फैमिलीज के अंदर यूज़ हो रहते हैं लैपटॉप वो टेप वगैरह लगाते हैं तो वो उसके लिए इन्होंने फ्लिप दिया भाई कैमरा हमारा जो है ना वो हाइड हो जाता है। तो बहुत अच्छी मशीन है। अभी इसकी मैं इंटरनल कंडीशन आपको बताता हूँ और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर GTA 5 भी रन हो रहा है। GTA 5 गेम क्योंकि 70 GB का गेम है ये इसको मैं थोड़ा सा आपको रन करके दिखा देता हूँ। थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ ताकि इसकी जो इंट्रो वगैरह है वो उसमें वीडियो ज़रा लंबी ना हो। इंट्रो हमारा ख़त्म हो चुका है इसलिए मैंने इसको काम कर दिया। फुल स्पिन कर दिया। स्मूथ गेम चल रहा है। बहरहाल ये डेमो मैंने आपको दे दिया गेम का। और इसके बाद जो ना मैं इसके जो इंटरनल कंडीशन है बोर्ड की वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियोस को मैं पॉज करूँगा। सर जी ये इंटरनल कंडीशन है इसकी। ये देखिए नीट एंड क्लीन मशीन है। इसमें हार्ड ड्राइव की अलग से पोर्ट दी हुई है। बहुत कम मशीनों में जो है वो ड्यूल पोर्ट्स होती हैं हार्ड ड्राइव की यानी कि डेटा स्टोरेज के हवाले से। और ये जो ना इसमें M2 अलग लगी हुई है। ये जो है ये NVMe बल्कि M2 तो नहीं NVMe है NVMe ये अलग लगी हुई है। और ये सिंगल रैम लगी हुई है इसमें 16 GB की। ये आपको खोल के दिखाता हूँ।
ये देखिए सिंगल रैम ड्यूल भी हो सकती है, आप चाहें तो 8 GB की दो रैमें लगवा सकते हैं। ये सिंगल रैम लगी हुई है और ये इसमें जो है हार्ड ड्राइव लगी हुई है, फिलहाल आप लगवा सकते हैं इसमें एडिशनल हार्ड ड्राइव अगर आपको डेटा के लिए चाहिए, ठीक है ना, 500 GB। और इसके अलावा ये आपकी जो ना वो M2 SSD है और ये लिथियम बैटरी है इसकी, नीट एंड क्लीन इसमें जो ना वो ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है इसमें HP की। आपको सीधा देख के आपको देखें देखें HP ओरिजिनल बैटरी। और ये मजीद इसके अंदर की जो कंडीशन है वो भी आप देख लें। अच्छा, रेट के हवाले से जो ना मैं आपको बता दूं, इसके रेट हमने जो रखे हैं वो 65,000 रखे हैं, जिसमें 16 GB रैम और 256 इसमें SSD है। और प्राइस थोड़ी सी नेगोशिएबल है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है हमारी अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं, और अगर कैश ऑन डिलीवरी का हो मामला तो 5,000 हम लोग जो ना वो एडवांस मंगवाते हैं ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए, और 1,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं क्योंकि टैरिफ बढ़ जाता है कोरियर का। और तकरीबन एक हफ़्ते का हम आपको रिफ़ंड देते हैं, एक हफ़्ते में अगर आपको चीज़ पसंद आए समझ ना आए तो आपको आपकी रकम रिफ़ंड मिल जाएगी 100%। और 1 मंथ का जो ना हम आपको टाइम देते हैं चेकिंग वारंटी का, चार्जर इसमें आपको ओरिजिनल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नई वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।